हेलो एवरीवन, आज आपको सिखाते हैं कि जीमेल का अकाउंट कैसे बनाते हैं। जब भी आप कोई एंड्रॉयड का नया मोबाइल ख़रीदते हैं तो उसके प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको उसमें साइन इन होना ज़रूरी है। तो साइन इन होने के लिए आपके पास जीमेल का ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है, जीमेल का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो जीमेल का अकाउंट कैसे बनाते हैं, आपने जाके मोबाइल फ़ोन पर ही क्रिएट जीमेल अकाउंट जो है वो सर्च करना है। तो ये पहला लिंक आ जाएगा, क्रिएट योर गूगल अकाउंट, इसको आपने क्लिक कर लेना है। आप ये देखें, मैं पहले ही दो अकाउंट से मोबाइल पे लॉग इन हूँ तो मुझे अब थर्ड अकाउंट चाहिए। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है यहाँ पे तो जस्ट आपका ऐड अकाउंट ही आएगा। ऐड अकाउंट पर आपने क्लिक करना है। तो ये मेरे पास चूँकि दो पहले अकाउंट लॉग इन है तो मेरे से मेरे मोबाइल का ये पासवर्ड जो है वो मांग रहा है, तो मैं मोबाइल का पासवर्ड दूंगा तो फिर ये मुझे अलाउ करेगा, आपसे ये पासवर्ड नहीं मांगेगा। अब यह देखें, ये वाला फॉर्म जो है वो ओपन हो गया है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट अकाउंट पे। वो कह रहा है कि आपने अपने लिए बनाना है या अपने बिजनेस के लिए। तो मैंने चूँकि अपने लिए बनाना है तो मैं माई सेल्फ पे क्लिक करूँगा। माई सेल्फ पे क्लिक करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। तो मैं यहाँ पे जो है अपना नाम जो है वो इंटर कर देता हूँ। दो नाम जो है वो इंटर करने होते हैं, आपका जो भी नाम है वो आप अपने हिसाब से इंटर करके इसे जो है वो नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एग्जैक्टली जो है वो दे रहा हूँ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल मेल, नेक्स्ट। अब आपने यहाँ पे वो एड्रेस देना है, यहाँ पे ये सजेस्ट भी आपको कर देगा कि ये नाम रख लें। हमेशा ये ख्याल रखें कि आपका ईमेल एड्रेस एक तो आपके नाम पे हो और दूसरा वो इतना लंबा चौड़ा ना हो जो बाद में हर जगह लिखने पे आसानी हो। मैंने देखा है लोगों ने जो है वो लंबे चौड़े बनाए होते हैं, अपना पूरा नाम साथ में डेट ऑफ बर्थ या फ़ोन नंबर वगैरह लिख के बनाया होता है। तो कोशिश करें कोई शार्ट नेम जो है वो सिलेक्ट करें, शार्ट नेम, जिस तरह के मेरा नाम हसीब है तो मैं उसके आगे जो है वो 7 लगा के देखता हूँ कि आपने अपने नाम से पहले कोई ऐड करके जो वर्ड है वो देख लेना है, क्योंकि गूगल पे बहुत ज़्यादा ईमेल आईडीज़ मौजूद हैं, इसलिए आपको आपका प्रॉपर नेम मिलना मुश्किल होता है। तो ये देखें, ये कह रहा है कि 7 भी जो है वो टेकन है, तो मैं 4 करके देख लेता हूँ, 5 करके जो है वो देख लेता हूँ, 6 पे भी नहीं मिल रहा, 2 पे भी नहीं है, 9 पे भी नहीं है। तो ये स्टार्ट में नाम लगाने से तो नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा करूँगा मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को जो है वो स्टार्ट में लगा लेता हूँ। तो ये देखें, अब 9090hasib@gmail.com जो है वो बन गया है। आपने अपने हिसाब से जो है आपको जो यूज़र नेम मिले आपने वो कर लेना है, लेकिन ये बात ख्याल रखनी है कि आप इसे शॉर्ट हिंसों में रखें, ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है वर्ड्स ना इस्तेमाल करें, 5, 7, 8 यहाँ तक रखें। ये ना हो कि आप अपना पूरा नाम साथ फ़ोन नंबर जो लिख लें। अब यहाँ पे आप अपना जो है वो पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है वो रैंडमली लगा लेता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद जो है आगे चलेंगे। वो कह रहा है कि ऐड फोन नंबर, तो आपने जो है अगर अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है तो ठीक है, फ़ोन नंबर ऐड कर लेना चाहिए। उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपको आपका पासवर्ड भूल जाता है तो मोबाइल पे आपको कोड भेज के जो है दोबारा से वेरीफाई कर लिया जाएगा।
उसने अब मुझे मेरा एड्रेस दे दिया है, 1990@gmail.com। ठीक है, इसे मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये उनकी पॉलिसी आ गई है, इसे स्क्रॉल डाउन करें नीचे और इसे एग्री कर लें, आई एग्री। और ये जो है वो मेरा जीमेल का अकाउंट जो है वो बन गया है। बस अब आपने सिंपल गूगल में जाके जो ईमेल आईडी बनाई है 1990@gmail.com और नीचे पासवर्ड देना है, तो आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा। तो जैसा कि हम यहाँ से देख भी लेते हैं अब अकाउंट्स में जाके, तो ये देख लें थर्ड अकाउंट जो है यहाँ पे आ चुका है। मैं एक बार यहाँ पे और ऐड करता चलूँ कि अगर वो आपसे मोबाइल फ़ोन वेरिफिकेशन मांगे, मेरे से नहीं मांगी, तो वहाँ पे आप अपना जो है वो मोबाइल नंबर दे दें, आपके मोबाइल पे कोड आ जाएगा, वो कोड इंटर करें तो आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है वो क्रिएट अ गूगल अकाउंट जो है वो कर सकते हैं, ईजीली आप जो है वो गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और यूनिक नेम जो है वो रखें हमेशा, ताकि आपको याद रखने में भी आसानी हो। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाली वीडियो तक के लिए। अपना और अपने किरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।